स्टार प्लस का शो इमली इन दिनों बेहद ही अच्छा कमाल कर रहा है। शो पिछले कई हफ्तों से लगातार टॉप 5 की लिस्ट में भी शामिल रहा है। जहां एक तरफ स्टार्स शो की कामयाबी से बेहद खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शो के लीड एक्ट्रेस का दर्द छलक पड़ा है। जी हां, दरअसल शो में प्रोफेसर मालिनी चतुर्वेदी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मयूरी देशमुख अपने पति को याद कर बेहद ही इमोशनल हुई हैं। वेल, मयूरी ने अपने पति को याद कर क्या कुछ कहा है, ये बात बताने से पहले हम आपको बता दें कि मयूरी देशमुख के पति की मौत हो चुकी है। मयूरी देशमुख के पति आशुतोष भाकरे ने बीते साल आत्महत्या कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही मयूरी देशमुख के पति ने भी जुलाई 2020 में मौत को गले लगा लिया था। लेकिन अब कई महीने बीत जाने के बाद मयूरी ने अपने पति को याद कर काफ़ी कुछ कहा है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मयूरी ने कहा, वो आज भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मैं उनसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं बता सकती, अकेले रहने के लिए आशुतोष का प्यार ही काफ़ी है। मयूरी देशमुख के पति आशुतोष अपनी भतीजी के बहुत करीब थे। मयूरी देशमुख के पति को बच्चों से बहुत प्यार भी था। वहीं अपनी दूसरी शादी के सवाल पर मयूरी ने कहा, आशुतोष के जाने के बाद मैं बच्चे पालने के बारे में सोच रही हूँ, शायद मैं किसी बच्चे को गोद ले लूँ, बच्चों के लिए दोबारा शादी करने की क्या ज़रूरत है। आपको बता दें कि मयूरी के पति मराठी एक्टर थे और साल 2020 में ही उन्होंने 32 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या थी, इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन खबरों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि आशुतोष डिप्रेशन में थे और इसी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। आपको बता दें कि मयूरा और आशुतोष की शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था। दोनों ने साल 2016 में ही शादी की थी, लेकिन किस्मत पे किसी का जोर चला है क्या? खुद मयूरा को भी अंदाजा नहीं था कि आशुतोष के साथ उनका साथ इतने कम वक्त के लिए होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि मयूरा के दिल में आज भी उनके पति के लिए बेइंतहा प्यार है।